जिंदगी में हम हमेशा खुश कैसे रहें और खुश रहने के तरीकों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड, जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या, खुशी शब्द का परिभाषा क्या है। दोस्तों, सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 रुपए के नोट मिल जाए तो वो इतना खुश हो जाता है। किसी बड़े लोग को 10 रुपए का नोट मिल जाए तो उतना खुश नहीं होते हैं। यदि आप किसी लड़की या लड़का से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए तो बहुत खुशी मिलेगी। यदि उसी लड़की या लड़के के साथ दूसरे लड़के की शादी हो जाए तो उस लड़के को इतना खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से और जहाँ जाने से आपके दिल में आनंद उत्पन्न हो, वही खुशी है। कभी कभी बैंक जाने का मौका मिलता है, वहाँ कई बूढ़ी माताओं को 400 रुपए वृद्धा पेंशन आती है। 400 पाने पर उसके चेहरे पर जो खुशी आती है उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जबकि किसी बड़े लोगों के लिए वह 400 रुपए कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी व्यक्तियों के खुश होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुशी कैसे रह जाए, नियम सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जैसे पैसे देखकर सब लोग खुश होते हैं, भले वह 2 रुपए हो या 2 लाख, जिसकी जैसी आमदनी उसको वैसी खुशी मिलती है। तो फ्रेंड, आइए जानते हैं जिंदगी में हमेशा खुश रहने के 11 तरीकों के बारे में। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रही हूँ जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। यही सब बातें बिल्कुल बिल्कुल आसान है। मैं कोई हवा हवाई बात नहीं कर रही हूँ। एक आम व्यक्ति के जो नियम पालन कर सकता है उन्हीं बातों में चर्चा करूंगी। नंबर 1, मोटिवेशनल कहानी पढ़े। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूँ या जीवन में कभी भी परेशानी आए तो आप मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार के अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, काफी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2, ज्यादा सोच विचार ओवर थिंकिंग ना करें। यदि आपकी जिंदगी में खुश रहना है तो कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो हमें पिछले जिंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। महिला में यह समस्या काफी ज्यादा पाया जाता है। जब भी वह फ्री बैठती है तो ओवर थिंकिंग शुरू कर देती है। जैसे 5 साल पहले मेरी सासू माँ ने यह बात बोला था, उनको यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी। 3 साल पहले मेरे देवर ने मेरी बेइज्जती कर दी थी, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें सोच सोच कर वो अपना जीवन को दुखी करती रहती है। इसलिए कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। नंबर 3, स्वस्थ रहे मस्त रहे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहे, आप कितना भी चाहे खुश रहे नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दें। योगा व्यायाम अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छे खान पान पर भी ध्यान दें। नंबर 4, दूसरों से तुलना मत करना। दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते थे। कभी दूसरों से तुलना ना करें। आप किसी से कम नहीं हैं। जिस हाल में रहें खुशहाल रहें। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया, इसलिए दूसरों की नकल ना करें। ईश्वर का अपमान ना करें। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता है। सभी के पास कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। जैसे कि कहो, तेरे पास जो उसका कद्र कर, या आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं। नंबर 5, दूसरों से उम्मीद ना रखें। उम्मीद किसी से ना रखें। एक पुरानी भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देने वाला दाता केवल राम है। पूरी दुनिया भिखारी और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। नंबर 6, व्यस्त रहे ओवर थिंकिंग। दूसरों से तुलना कर रहे, दूसरों की निंदा या सभी बुराइयां हम तभी करते हैं जब हम निठल्ला बैठे रहते हैं। जब अपने काम में व्यस्त रहोगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं मिलेगी फालतू की चीज सोचने के लिए। इसलिए अपने काम में व्यस्त रहें। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने की उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों से मुझसे प्यार करते हैं। नंबर 7, खुद पर विश्वास रखें। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा।
यदि आप अपने आप पर विश्वास रखोगे तो आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है आपको बड़ी से बड़ी समस्या बाहर निकाल सकता है। जहाँ विश्वास है जहाँ आशा है वही जिंदगी है, जहाँ अविश्वास है जहाँ निराशा है वहाँ मौत है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आशावादी बने, अपने आप पर विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़े, हमेशा खुश रहें। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते। नंबर 8, ज़्यादा इच्छा ना रखें। इस दुनिया में इच्छा अनंत होती है, इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर इससे बड़ा घर की इच्छा, फिर इससे भी बड़ा घर की इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा। यह कभी खत्म नहीं होने वाली बीमारी है, इसलिए इच्छा की सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। नंबर 9, अमीर बने। एक कटु सत्य है, सभी गरीब अमीरों से नफरत करता है, लेकिन सभी गरीब अमीर भी बनना चाहता है। आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि आर्थिक समस्या अन्य समस्याओं से बड़ी होती है। आज के समय में आत्महत्या, पारिवारिक कलह जैसी बीमारी यदि आप जांच करेंगे तो पता लगेगा इसकी मूल वजह आर्थिक समस्या यानी पैसे की है। अमीर लोग भले ही खुश रहे या ना रहे, लेकिन उन्हें यह आर्थिक समस्या होती है कि गरीब के दुखी रहने का मुख्य वजह आर्थिक समस्या है। इसलिए अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने का भरसक प्रयास करें। नंबर 10, दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपकी भी जिंदगी में जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता होगा, जैसे अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारे तो जीवन ही नर्क बन गया, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, हम आपके स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम उससे दूरी जरूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति आपके सपने और आशावादी को निराशावादी में बदलने का काम करते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं, ना ही उसे अपने पास बुलाएं। नंबर 11, आशावादी बने। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो जीवन में हमेशा आशावादी बने रहें। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपके मन में आशा रहेगी कि हम परीक्षा में अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे, तभी आप खुश रहोगे। यदि आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, जब अपने मन में आशा रहोगे कि मुझे व्यापार में ज़्यादा आमदनी होगी, तभी आप खुश रह पाओगे। आशा एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने रामायण सीरियल में जरूर देखी होगी कि रामायण किताब जरूर पढ़ने होंगे। सीता जी को यह आशा था कि राम जी विशाल समुद्र पार करके आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, तभी वह रावण की अशोक वाटिका में जिंदा रहे। सब भी कई सालों तक वन में रही, जवान से बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्हें आशा थी कि राम जी एक बार जरूर उनसे मिलने आएंगे। उसी आशा के दम पर वह कई साल तक जीवित रहे। इसलिए आशा करना कभी भी ना छोड़े। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह संसार दुखों का भंडार है। कई हमारे गायक कलाकार हमेशा गाना गाते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। गाने का तात्पर्य है कि जिंदगी में गम भरा हुआ है, किसी किसी दुकान में नहीं मिलता जिसे हम खरीद कर खुश हो सके। इसलिए खुश होने का सबसे आसान उपाय है, हम छोटी छोटी बातों पे खुशियाँ ढूंढना पड़ेगा। आजकल संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है, एकल परिवार में पति पत्नी और एक बच्चे, किसी किसी परिवार में 2 बच्चे होते हैं। पति ड्यूटी पर, पत्नी मोबाइल में व्यस्त, बच्चे टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं, फिर उस परिवार में लोग खुश कैसे रहेंगे। इसलिए खुश रहने का कुछ बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं, कुछ दिन इसे प्रयोग कर लगातार देखें, जरूर आप खुश रहेंगे। परिवार में जितने भी सदस्य 2 या 3, 4 एक बार साथ मिलकर खाना खाएं, सप्ताह में कम से कम 1 दिन पूरे परिवार कहीं बाहर जाकर घूमने के लिए जाए, हो सके तो महीने में या 1-2 दिन बच्चों के साथ बाहर खाना खाएं। प्रतिदिन खाना बनाने से पहले बच्चों से जरूर बात कर ले कि आज खाना में क्या बनाओ, जितना हो सके बच्चे का पसंदीदा खाना बनाएं। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढें, जैसे बच्चे को स्कूल में यदि किसी टेस्ट में अच्छा नंबर आ गया हो तो छोटा सा पारिवारिक पार्टी घर में रखें। केवल बर्थडे पर केक लाने का इंतजार ना करें, महीने में 1-2 बार केक मंगवाएं। कोई ना कोई बहाना जरूर उत्पन्न करें। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कुछ देर जरूर अपने में बात करें, हंसी मजाक करें, कुछ देर ठहाका लगाकर हंसने का जरूर प्रयास करें। महीने में कम से कम 1 दिन घर में या किसी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाएं। इस प्रकार छोटी छोटी बातों से खुशी उत्पन्न होती है। हम बड़े मौके पर खुश होने का इंतजार करते रहते हैं और वह बड़ा मौका आने में पहले हम दुखी हो जाते हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है, जितना है शुरू करें।